कोहली की टोली के लिए यह है आखिरी चांस। उधर देखें तो केकेआर वंस अगेन है तैयार। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय टोटल वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्स इट। पहले मुकाबले की करते हैं बात और मुझे लगता है कि ये फाइनल चांस है। फाइनल इसलिए क्योंकि अगर ये भी हार गए तो फिर अगले आठ में से आठ जीतना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो यहां से अब आपको जीत की शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि पिछला मैच इतना खराब नहीं खेले। आप हारे जरूर लेकिन आप पांदे रसल नाम के ट्रक के नीचे आ गए। अब उससे आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, थोड़े एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स बेहतर कर सकते हैं, थोड़ी सी कैचेज अच्छी पकड़ सकते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू स्टिल वरी अबाउट। टीम के अंदर क्या आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्या गुंजाइश है? ज्यादा गुंजाइश है नहीं क्योंकि नेथन कुल्टनाइल इज नॉट अवेलेबल। टिम साउदी को आप फिर खिलाएं लेकिन उम्मीद करें कि इस बार वो जब यॉर्कर डालें, पहले तो डालें और डालें तो सही ठिकाने पे गिरे। मे बी उमेश यादव को आप इसलिए आइए पर बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश यहां पे मुझे नजर नहीं आती। मोइन अली की जगह जरूर आप सोच सकते हैं। अगर उनको आपने बोलिंग करानी नहीं है तो फिर आप शिमरन हेडमार को खिला लो या हेनरिक क्लासन को खिला लो। दैट्स द ऑप्शन दैट यू कैन एक्सरसाइज। ऑल्सो अगर मोइन को खिलाना है तो खिला सकते हो क्योंकि यहां पे आपको शिखर मिलेंगे, यहां पे आपको ऋषभ पंत भी मिलेंगे, तो फिर दो लेफ्ट हैंडर्स हैं प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू यूज दैट ऑप्शन। सामने की टीम है दिल्ली कैपिटल्स। पिछला मुकाबला हारे, उससे पिछला भी हारे, एक तो जीतना चाहिए था वो हार गए, एक छोटा सा टोटल आपने बनाया वहां पे भी आप फंस गए, तो फिर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी मुझे लगता है थोड़ी सी और इंस्टिंक्टिवनेस की आवश्यकता है क्योंकि अभी मुझे लगता है कि कप्तानी थोड़ा बाहर से हो रही है, वो डगआउट से विकी पॉन्टिंग कर रहे हैं कप्तानी। इज अ गुड टैक्टिशियन लेकिन इवेंचुअली कप्तान को सेंटर स्टेज लेना पड़ेगा। क्या आपकी टीम में बदलाव की कोई ज्यादा गुंजाइश है? बहुत ज्यादा तो है नहीं। जो टीम है आपकी ठीक है लेकिन थोड़ा सा और इनिशिएटिव लेके खेलना पड़ेगा। शिखर धवन को थोड़ी सी और पिटाई करनी पड़ेगी, पृथ्वी शॉ को थोड़ा सा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ऋषभ पंत पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। बट दीज आर द थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ डीसी। कैस्ट्रॉल एक्टिव मैच प्रोटेक्टर, माय प्रेडिक्शन आई एम गोइंग विद विराट कोहली वंस अगेन। क्योंकि कप्तान कोहली पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की ना, बैटिंग ट्यूटोरियल दिया है, मुझे लगता है कि वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था। और ये शेर इस समय थोड़ा सा जख्मी शेर है और जख्मी शेर जो होता है ना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो उम्मीद यही है कि विराट रन बनाएंगे। इसकी मेरी मैच प्रेडिक्शन क्या है, आई एम गोइंग विद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पहला मैच वो अपना जीत जाएंगे इस सीजन का। दूसरे मैच की बात करते हैं, सवाई मानसिंह स्टेडियम, राजस्थान रॉयल्स के सामने कोई केकेआर। दोनों ही टीम जीत के रथ पे है सवार। आरआर ने आरसीबी को हराया था और केकेआर ने भी आरसीबी को हराया था, तो फिर हम दोनों में से बेहतर टीम कौन सी हुई? अरे केकेआर इज बेटर यार, यू नो आई नो, दे हैव ऑल द बॉक्सेस टिक्ड, दे हैव आंद्रे रसल। तो ये मेरे ख्याल से 12-13 लोगों के साथ खेलते हैं क्योंकि 11 तो नॉर्मल होते हैं। आंद्रे रसल तो 2-3 प्लेयर के बराबर है, रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। पहले मैच में 4 छक्के, दूसरे में 5, तीसरे में 6, अब क्या 7 मारेंगे? गॉड नोज, वील फाइंड आउट। बड़ा ग्राउंड है सवाई मानसिंह स्टेडियम का। राजस्थान रॉयल्स पिछला मुकाबला आप अच्छा खेले, आपने उनासगढ़ को नहीं खिलाया, वरुण को खिलाया लेकिन वरुण को तो एक ही ओवर करवाया। सो इज दैट समथिंग दैट यू वांट टू एड्रेस? अब स्टुअर्ट बिनी वो खिला तो रहे हैं लेकिन ना बैटिंग ना बॉलिंग ज्यादा। सो दीज आर एरियाज दैट यू नीड टू रियली थिंक अबाउट। केकेआर को तो कुछ सोचना ही नहीं है बॉस, मतलब आप धीरे 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 एक मैच को एक जगह पे ले जाए जहां पे कही आंद्रे रसल अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और वो जाके पिटाई करते हैं, उनको रोक ही नहीं पाता कोई। सो दैट्स हाउ इट इज बीन। अब इस मैच में मैं किसको विजेता प्रेडिक्ट करने वाला हूं? सैटरडे में एक ठीक था एक गलत था, संडे आरसीबी पिक कर चुका हूं, आई एम गोइंग विद केकेआर। क्यों? ज्यादा हिटर्स हैं उनके पास, ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर्स हैं, तो आई एम गोइंग विद देम। इट्स अ बिग ग्राउंड, उनके पास बहुत सारे स्पिनर्स भी हैं। बट देन आपको क्या करना है? अगर आप घर बना रहे हो तो भाई वाटर प्रूफिंग करवाओगे, शॉर्टकट तो लोगे नहीं। अगर शॉर्टकट नहीं लेने हैं तो फिर आप जरा डॉक्टर फिक्स इट लगा लीजिए, उसकी जितनी जो उसकी डिटेलिंग है वो इस पोस्ट में है। एक काम और कर देना जाते जाते, वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि 600,000 इज नॉट टू फार, सो लेट्स गो देयर टुगेदर यार। अभी तो आईपीएल बहुत सारी बड़ी है, उसके बाद वर्ल्ड कप भी है।